जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर रोमचो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने जो हमें इतना प्यार और सम्मान प्रदान किया। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। इसी वीडियो में हम अब बात करने वाले हैं आपके लिए एक बहुत अच्छे में कि यह जो आदतें हैं, ये आदतें अभी बदल डालो, ये आदतें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है और कई सारी परेशानियों को क्रिएट कर सकती है। सबसे पहली और मुख्य बात कहना चाहता हूँ कि जो हम एक आदत है हम में, हम किसी भी चीज़ के नेगेटिव पॉइंट की ओर बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्शन हो जाता है, आकर्षित हो जाते हैं। तो कभी भी जो भी घटनाएँ घटित हो रही है उसका पॉजिटिव साइन अब देखें आप, वो क्यों हो रही है। एकदम से कोई भी घटना नहीं होती है, उसके पीछे बहुत बहुत पहले से पूरी प्रक्रिया होती है और तब जाके वो घटित हो जाती है। तो इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन ज़रूर किए कि व्यक्ति कैसा है, क्या है, क्या नहीं है, इसके पहला पिछला रिकॉर्ड क्या है, तब जाके उसे ये चीज़ें फेस होना पड़े। तो हम तुरंत उस समय घटना अवस्थिति को देखकर निर्णय ले लेते हैं, वो निर्णय लेना सही नहीं है। तो पहली और मुख्य बात है कि हमें जो भी चीज़ दिख रही है, जो घटित हो रही है, उसकी सत्यता जाने फिर निर्णय लें। मतलब कुल मिलाकर बात ये कहना चाहता हूँ कि निष्पक्ष निर्णय लेने की शक्ति आप में होना चाहिए। ये एक बहुत ख़राब आदत है। ये ख़राब आदत इसलिए है कि हम निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाते हैं, किसी के बहकाव में, किसी के कहने में कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि खुद पर विश्वास। बहुत से लोग अभी इस समय जो सुन रहे हैं, खुद पर विश्वास नहीं है। खुद पर विश्वास करें, जब तक आपको खुद पर यकीन नहीं होगा तब तक ईश्वर पर यकीन नहीं होगा। तीसरी बात है आकर्षण। आप किसी से भी जल्दी आकर्षित नहीं होना है, अगर आकर्षित ही होना है तो ईश्वर से होइएगा। किसी व्यक्ति विशेष, किसी की व्यक्तित्वता से या किसी के व्यक्ति से आपको आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि उससे हुआ जो आकर्षित है कहीं ना कहीं हमें प्रतिस्पर्धा में उतारता है, कहीं ना कहीं हमें एक दौड़ में, कहीं ना कहीं हमें उसके जैसा बनने का एक जो मन में एक भाव है, एक लालच है, वो जन्म लेता है। हम हमारा काम करेंगे बिना फल की इच्छा से, निस्वार्थ कर्म करेंगे बिना इच्छा से। अगर बिना इच्छा से हम काम करेंगे तो जरूर आप बहुत बड़े सफलता हासिल होगी। और दोस्तों, बिना इच्छा से जब आप काम करेंगे, मतलब बिना सफलता की इच्छा से आप काम करेंगे, सफलता या इसके फल की इच्छा से, यूँ कह सकता हूँ बड़े तौर पर, तो आप जो आपको फल मिलेगा ना, एक बार ज़रूर जानिएगा कि आपको उम्मीद से बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, अद्भुत बातें शेयर कर रहा हूँ। इन बातों को आप समझिएगा, सोचिएगा। मैं ये नहीं जानता हूँ कि आप मेरी बात को किस वे में लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन सभी चीज़ों को आप सकारात्मक पॉजिटिव वे में लें। मुझे यकीन है कि आपको एक बहुत अच्छा मार्ग मिलेगा। बहुत निराश है, बहुत हताश है, बहुत ज़्यादा लोग घबराए हुए रहते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं। आप ईश्वर पर यकीन करें, किसी से पकड़ होने की ज़रूरत नहीं। आपकी जो अप्रोच है वो भी ऊँची होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी अप्रोच ईश्वर तक है, जो इस पूरी दुनिया को चलाता है, और वो सहजता से आपको हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारे, हर जगह वो आपको मिल जाता है। हर कण में शंकर है। इन चीज़ों पर आप कॉन्सेंट्रेट करें, ईश्वर के करीब रहें, अब हमेशा ईश्वर का जाप करते रहें। मुझे यकीन है आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें और वीडियो को लाइक करें। जय महाकाल।